से चालू। नमस्कार, अभी हम वकील साहब से भी चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ इतना विशाल कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ भोजन जो व्यवस्था थी उसमें आटा जितना भी लगा है 50 क्विंटल लगाओ या 51 लगाओ वो भाई साहब की तरफ से ही था, इसलिए उनको मैं चैनल के माध्यम से भी हार्दिक शुभकामना। ऐसे आगे कार्य करते रहे, और मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को बताएं। सबसे पहले तो राजगढ़ जिले के लिए खुशी का विषय है और ब्यावरा विधानसभा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि परमानंद महाराज जो भगवान का स्वरूप है उनके आशीर्वाद से ये ब्यावरा में भव्य कार्यक्रम हुआ। 65 सर्व जाति विवाह सम्मेलन जिसमें गरीब परिवार की कन्याएं भी है, किसी के पिता नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के माता नहीं, उन कन्याओं का यह विवाह हुआ। वो परम श्रद्धे परमानंद जी महाराज का आशीर्वाद उन सबको 65 नव दंपतियों को मिला। उन सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी 65 नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान करे और उनका जीवन बेहतर हो, सुख में हो, मंगल में हो, और ब्यावरा और राजगढ़ जिला हमेशा ऐसे पुनीत कार्य करते रहे जिससे हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं वो दूर होते हैं, सद्गुण का प्रवेश होता है और अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो अभी वकील साहब का कहना है कि आगे भी ऐसी कथा और ऐसा कार्यक्रम चलता रहे जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे और आदमी क्या क्या कथा भागवत अगर सुनता रहता है तो उसके मन में सद्विचार आते रहते हैं, और सद्विचार आते रहते हैं तो वो कथा के माध्यम से आदमी जैसे मोबाइल को रिचार्ज करता है वैसे आदमी रिचार्ज हो जाता है, तो ताकि वो सत्संग और अच्छे विचारधारा से जुड़े रहे। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार, आपका राजधानी समाचार में जुड़े रहने के लिए आज वर्तमान विधायक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और यहाँ ब्यावरा में इतना भव्य समारोह का आयोजन किया गया जो यहाँ 7 दिवसीय कथा भी थी और यहाँ कथा के साथ में कन्यादान भी किया गया है, 65 कन्याओं का विवाह भी, तो मीडिया के माध्यम से सर क्या संदेश देना? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि पहली बात तो मेरे ब्यावरा विधानसभा में 65 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत और उसके पहले यहाँ के लोगों ने जन सहयोग से परमानंद जी गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि यहाँ 51 कन्याओं का विवाह हो, तो उनकी इच्छा अनुरूप उनका परमानंद जी का आश्रम भी है। यहाँ के ब्यावरा के श्रद्धालु लोगों ने, सभी भक्त लोगों ने तन मन धन से सहयोग करके कन्या का विवाह का आयोजन किया गया था। उसी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी शामिल की गई ताकि उन लोगों को दुगना लाभ मिल सके और निश्चित रूप से मिला, तो ये एक ब्यावरा के लिए सौभाग्य की बात है। तो परमानंद जी महाराज का आशीर्वाद से, परमानंद जी महाराज की कृपा से इस ब्यावरा नगर में काफ़ी ऐतिहासिक और 65 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। साथ ही उनके शिष्य चिन्मयानंद जी महाराज, गिरिजी महाराज ने 7 दिवसीय कथा का यहाँ आयोजन भी किया गया। इससे यहाँ के लोगों को, श्रद्धालुओं ने बहुत उनका लाभ भी लिया और निश्चित रूप से परमानंद जी की कृपा से यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। परमानंद जी एक महान राष्ट्रीय संत है और उनकी कृपा से इतना बड़ा आयोजन, सफल आयोजन यहाँ हो सका। ब्यावरा क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके, ब्यावरा पूरे जिले के लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और महाराज परमानंद जी के चरणों में नमन करते हैं, उनका भी आभार करता हूँ, उन्होंने ब्यावरा को चुना और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक विवाह समारोह संपन्न हुआ, कथा भागवत संपन्न हुई। और मैं उनके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो वर वधु इस परिणय सूत्र में बंधन आए उन पर निश्चित रूप से ईश्वर की तो कृपा है ही, साथ ही हमारे परमानंद जी महाराज जी ने खुद साक्षात उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया और उन वर वधुओं को आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से भगवान उनका जीवन सफल करेगा। तो भाई साहब का कहना है कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहे। अभी भी सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। पहले तो अपना नाम बताए। मैं गोविंद सिंह गुजर, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष राजगढ़। हम लगातार यहाँ श्रद्धे गुरुदेव परमानंद जी महाराज जी के प्रवचन में आ रहे हैं और यहाँ विगत ये योजना 2 वर्षों से तैयार हो रही थी, कोरोना काल के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और गांव के सभी और शहर के सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए आज का ये असल में कार्यक्रम ही पूरी जनता के सहयोग से हुआ है। अखंड परम नाम सेवा समिति ने तो इसका नेतृत्व किया है। इस राजगढ़ ब्यावरा जिले के ब्यावरा नगर शहर ही नहीं, शहर के आजू बाजू के जितने भी गांव लगे थे, मैंने उन गरीबों को भी इस कार्यक्रम में सहयोग देते देखा है, जो 5 किलो और 1 किलो गेहूं से भी सहयोग किया है। मैंने इस कार्यक्रम में लाखों रुपए देने वाले भी भक्त देखे हैं, 1-1 लाख देकर भागवत के यजमान बनकर के इस कार्यक्रम को बल दिया है। पर
बधाई के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए धन भी दिया है, तन भी दिया है, मन भी दिया है। किसी कार्यक्रम की ब्यूटी और उसके सौंदर्य को जो अब हम देखते हैं तो केवल धन देने वाले दानदाता का ही नहीं होता, वे उन सभी सहयोगी सदस्यों का होता है जो तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, धन भी देते हैं। पर जिन्होंने किसी भी रूप में इस सामाजिक कार्य में अपने सहयोग दिया है तो ये अपने मानव जीवन को सिद्ध किया है। मानव होकर यदि हम मानव का काम नहीं करेंगे तो सृष्टि में सभी भूत प्राणी तो पैदा हुए हैं और अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए खाते पीते और अपने लिए जीते, एक दिन मर जाते हैं। जो दूसरों के लिए जन्मा है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए काम करता है, वहाँ से मनुष्य का जन्म होता है। हमने तो किसी आकार विशेष को मनुष्य मान लिया है, इसलिए मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए। पशु प्रवृत्ति है वही कि आप ही चरें, न हो इस मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। असल में मनुष्य तो वो है जिसका समग्र जीवन का पुरुषार्थ अपने समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है और एक एक भूत प्राणी के लिए होता है। जब भगवान ने मनुष्य बनाया तो भगवान कुत्ता बना के उतना खुश नहीं हुआ, भगवान ने गाय बनाई और गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, गाय बना के भी भगवान खुश नहीं हुआ। जिस दिन भगवान आदमी बनाने में सफल हुआ उस दिन भगवान को लगा ये मेरा प्रतिनिधि है और ये मेरी तरह समाज के सेवा करेगा। जैसे भगवान जरूरत पड़ी तो सबरी के जूठे बेर खाए, धर्म चक्रवर्ती सम्राट है। यदि किसी ठाकुर को सीखना है तो राम से सीखे कि सबरी के कैसे जूठे बेर खाते हैं। यदि किसी यदुवंशी को सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखे कि कैसे वो बिदरानी के छिलके खा लेते हैं और उनके जीवन में कोई शिकायत नहीं होती। ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार इसीलिए हुए हैं, कभी ज़रूरत पड़ी इस समाज को, इस राष्ट्र को, तो भगवान शूकर के रूप में प्रकट हुए और हिरणाक्ष के द्वारा अपहृत पृथ्वी को पानी से बाहर ला करके मानवों के रहने की जगह दी। तो भगवान के 24 अवतारों की जो चर्चा हम भागवत में करते हैं वो यही पाथे देते हैं कि हम कोई ऊंच नीच नहीं है। असल में नीच वो है जिनका कर्म नीच है, जाति कोई नीच नहीं होती, जाति तो काम के लिए है, असल में वो मनुष्य नीच है जिसके कर्म नीच होते हैं। तो नीच कर्म वालों से बचना चाहिए, अच्छे काम वालों के साथ जुड़ना चाहिए, यही मानव का पाथ। कितने जोड़े रहे आज के आयोजन में और किन किन ने सेवा दी है? आज के आयोजन में 65 जोड़े हैं, हम तो 51 जोड़ों को लेकर के चले थे, पर जब हम आए उसके एक दिन पहले भोपाल में हम आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य की जयंती में एक साथ थे, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के साथ, और उनको भी इस कार्यक्रम में आना था पर वो पूर्व में हमारा कोई निश्चय नहीं था और उनके कार्यक्रम पहले से तय थे, तय कार्यक्रमों के कारण वो आ तो नहीं पाए, पर उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो लाभ इस मध्य प्रदेश की भांजियों को के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हैं, वो कन्याओं का को मिलने वाला लाभ हमारे सम्मेलन में जिन बेटियों का विवाह हुआ है 65 बेटियों का, उनके खाते में सीधे प्रत्येक बेटी के अकाउंट में 49,000 रुपए शासन द्वारा जाएगा और समिति ने जो समान इकट्ठा किया है समाज से वो सारा का सारा सामान आप यज्ञ वेदी में देखेंगे। अलमारी है, कंबल है, बेड है, किचन के बर्तन हैं, डाइनिंग टेबल के बर्तन हैं, भोजन भी कर सको, बना भी सको, उसको रख भी सको और बर्तन और गद्दे और बेड आदि के एक जो ज़रूरी बेसिक जो आवश्यकता होती है परिवार में जाते ही वो ज़रूरत का सारा सामान इस समिति के सहयोग से क्षेत्रवासियों की उदारता से जो धन प्राप्त हुआ वो मार्केट से सामान परचेज करके बेटियों को गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, subscribe now and press the bell icon, never miss an update.